सो गाइस आप लोगों को काफी दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि बिट्टू भाई आप जो स्पॉन्सरशिप करते हो उसका आपका कितना चार्ज है, आप एक स्पॉन्सरशिप का आप कितना लेते हो, आप एक स्पॉन्सरशिप वीडियो बनाने के लिए कितना प्राइस बताते हो कंपनी को, एंड डेडिकेटेड का आप कितना लेते हो, इंटीग्रेटेड का कितना लेते हो, सारा कुछ आप लोग कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो में आप लोग दूर करूंगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मैं फर्स्ट स्पॉन्सरशिप का कितना लिया था एंड मैं एक स्पॉन्सरशिप डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप का मैं कितना लेता हूँ, कितना चार्ज है मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो का, एंड गाइस इंटीग्रेटेड का कितना है सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड आप लोग को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आज के इस वीडियो को देख करके, यार बिना चैनल मोनेटाइज के भी हम लोग यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा, एंड गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जैसे कि चैनल ओपन कर लेते हो एंड आप लोग का 5-10 व्यू जाता है, लेकिन कभी ना कभी तो आप लोग का चैनल ग्रो होगा ही, आप लोग का भी कहीं कभी ना कभी 200 400 500 हजार तक व्यूज आएंगे, तब आप लोग को भी स्पॉन्सरशिप मिलेगा। तो आप लोग को अभी से पता रहना चाहिए कि आप लोग को एक स्पॉन्सरशिप का कितना मुझे कंपनी को प्राइस बताना चाहिए, एक स्पॉन्सरशिप का कितना लेना चाहिए, कंपनी से डील करने के लिए आप लोग को सीखना पड़ेगा, तो ये आप लोग अच्छा खासा मतलब अर्निंग कर सकते हो यूट्यूब से, वरना फिर आपका व्यू जाएगा 1K बट आप लोग स्पॉन्सरशिप डेडिकेटेड कर दोगे 100 में, तो ऐसे में आप लोग लॉस में चला जाओगे, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे कंपनी से सही तरीके से डील कर सकते हो, एंड सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में वो सभी चीज़ें तो बताऊंगा कि मैं कितना अर्निंग करता हूँ स्पॉन्सरशिप से, एक स्पॉन्सरशिप को मैं कितना लेता हूँ, फर्स्ट स्पॉन्सरशिप का मुझे कितना मिला था। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो प्रॉपर नॉलेज भी मिलने वाली कि कितना व्यूज पर कितना कंपनी को प्राइस बताना चाहिए एंड कितना रुपया में कर देना चाहिए स्पॉन्सरशिप। सो गाइस आज की इस वीडियो में सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ नॉलेजेबल है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। सो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल पर जितना व्यूज आता है उसके हिसाब से आप लोग कितना प्राइस बताना चाहिए कंपनी को, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा मैं अपना अर्निंग भी, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग अगर 100 से 200 व्यूज आता है तो आप लोग को कंपनी को कम से कम 1000 बोलना है, ठीक है। 1000 बोलने के बाद आपको कंपनी 1000 देगा नहीं शुरू में, ठीक है। आप जैसे कि 1000 बोल दिए तो आप लोग को 1000 मिलेगा नहीं, कंपनी बोलेगा नहीं 300 देंगे, अब आप बोलोगे नहीं 700 लेंगे, इसी प्रकार आप लोग ऐसे डील करते करते आप लोग 450 से 400 में आप लोग अगर आप लोग 100 से 200 व्यू जाता है तो आप लोग 400 में डील कर देना, ठीक है। 400 तक में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ अगर आप लोग 400 से 600 इस प्रकार आप लोग व्यूज अगर आता है तो आप लोगों को कंपनी को बोलना है कम से कम 2000, ठीक है। अब आप लोग 2000 बोलोगे तो ही कंपनी आपको कम से कम 600 देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को कंपनी को 2000 बोलना है एंड धीरे धीरे घाटा करके आप लोगों को लास्ट प्राइस आप लोग का 600 रहना चाहिए, इससे आप लोग को नीचे में नहीं करना वरना फिर आप लोग लॉस में चला जाओगे, ठीक है। ये मैं डेडिकेटेड का बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों अब अगर आप लोग 800 से 1000 तक अगर आप लोग का व्यू जाता तो आप लोगों को कंपनी को कम से कम 2500 बोलना है, ठीक है। एंड 2500 बोलने के बाद कंपनी धीरे धीरे आप लोग का 1K तक आप लोग को दे देगा, ठीक है। अगर आप लोग 800 से 1000 तक व्यू जाता है तो आप लोग 1K हंस हंस के आप लोग को कंपनी दे देगा। तो शुरू में आप लोग को कंपनी को बोलना है अगर आप लोग 800 से 1000 तक व्यू जाता है तो आप लोग को कंपनी को कम से कम तो 2500 से 3000 बोलना है, तब आप लोग को 1000 तक मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाद बाकी दोस्तों 1000 तक मैंने आप लोग को बता दिया, इसी तरह आप काउंटिंग कर लेना कि आपका कितना व्यू जाता है। अगर आप लोग 3000 आता है तो आप लोग को डबल बोलना है, ठीक है। 3000 आता है तो आप लोग को 6000 बोलना है, तब आप लोग को 3000 मिलेगा रुपीज। बहुत सारा ऐसा कंपनी होता है जो एक व्यूज का 1 रुपया देता है, और बहुत सारा ऐसा कंपनी होता है जो एक व्यूज का 50 पैसा देता है, ठीक है। ऐसा मतलब बहुत सारा ऐसा अलग अलग कंपनी रहता है, सबको एक जैसा आप लोग को प्राइस नहीं देगा। तो आप लोग को सभी के साथ एक जैसा डील नहीं करना, अगर कोई भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है तो उसको आप लोग को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके आप लोग को कर देना। लेकिन ऐसा एप्लीकेशन है, कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन है, तो उसको आप लोग को जो मैंने आप लोग को बताया उसी के हिसाब से आप लोग को प्राइस बताना है, तो ये आप लोग अच्छा खासा अर्निंग कर पाओगे अपना चैनल से। तो ये सभी बातों का आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी अगर आप लोग 2000 3000 4000 जितना भी जाता है इस तरह से आप लोग बोल सकते हो कंपनी को, आप लोग कंपनी के साथ इस तरह से डील कर सकते हो जिससे कि आप लोग अच्छा खासा यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। अब यहाँ पे बारी आती है कि मैं एक स्पॉन्सरशिप का कितना लेता हूँ एंड मैं कितना प्राइस बताता हूँ एक स्पॉन्सरशिप का कंपनी को। यहाँ पे हम लोग जैसे छोटे क्रिएटर तो कंपनी से तो बात नहीं होता डायरेक्टली, वो थर्ड पार्टी से बात करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग ऐसे मतलब एजेंसी टाइप का रहता है, ठीक है। वो लोग कंपनी से लेते हैं एंड हम लोग को देते हैं, तो कंपनी बोलना ये गलत है, थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी को हम लोग मतलब मैं बोला था,
मैं बोलता हूँ कि मेरा जैसे कि आप लोगों को पता होगा अभी थोड़ा सा व्यूज डाउन हो चुका है, लेकिन कुछ दिन पहले 800, 900, 1000 तक व्यूज आ जाता था। तब मैं यहाँ पे कंपनी को बोला था 3000, ठीक है। अभी अभी 3000 जब बोला था तब मुझे फर्स्ट स्पॉन्सरशिप का मैं बात कर रहा हूँ डेडिकेटेड। उससे पहले भी मैंने काफी सारा इंटीग्रेटेड किया था, तो इंटीग्रेटेड का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं एक इंटीग्रेटेड वीडियो बनाने के लिए कितना चार्ज करता हूँ कंपनी को, कितना बोलता हूँ मतलब थर्ड पार्टी को कितना बोलता हूँ, ठीक है। तो सिंपली से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक डेडिकेटेड फर्स्ट स्पॉन्सरशिप करने का मैंने कितना लिया था। तो जब मेरा 800 से 1000 तक व्यू जाता था तब मैंने कंपनी को बोला था कि 3,500 रुपये का बोला था, ठीक है। अब दोस्तों उन्होंने बोला कि नहीं 600 देंगे, मैंने बोला नहीं 2000 तो लगेगा ही, 2000 से कम नहीं होगा। इस तरह कर करके मैंने लास्ट डन किया 1000 में, ठीक है। मतलब मेरा 1000 व्यू जाता था एंड मैंने 1000 में डन कर दिया। मतलब मेरा एक डेडिकेटेड, आप लोग समझ सकते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए 1000 लेता हूँ, ठीक है। 1000 रुपया लेता हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए। ऐसा मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो का जो चार्ज है वो है 1000। लेकिन दोस्तों अभी बहुत अगर अच्छा एप्लीकेशन आ जाता है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है उस एप्लीकेशन का यूज अगर मैं भी करता हूँ, तो उसको मैं कम ज़्यादा करके मैं वो कर देता हूँ। ऐसे मतलब 500 से नीचे तो मैं कभी भी डेडिकेटेड नहीं करता हूँ, ठीक है। 500 से ऊपर 600, 700, 800 तक मैं कर देता हूँ। कोई भी अगर अच्छा एप्लीकेशन आ जाता है, कोई भी जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो तब मैं यहाँ पे 600, 700, 800 में कर देता हूँ। लेकिन जो ऐसे रेगुलर जो मेरे पास आता है वो मैं 1000 से नीचे में नहीं करता हूँ। आप लोग एक बात आप लोग समझ लेना, ठीक है। बाकी मैंने जो फर्स्ट स्पॉन्सरशिप किया था वो किया था 1000 मुझे मिला था फर्स्ट स्पॉन्सरशिप का। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का मैं कितना लेता हूँ। अब डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है शायद आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि यार इंटीग्रेटेड का मैं एक इंटीग्रेटेड वीडियो का कितना चार्ज करता हूँ। तो मेरा आप अभी आप लोग जैसे कि पता होगा कि व्यूज आप लोग जैसे कि पता होगा कि 300, 400, 500 इस प्रकार आप लोग व्यूज देखने को मिल जाता मेरे वीडियोज पर, ठीक है। रेगुलर मतलब एवरेज व्यूज जो है वो है 500 आप लोग अप्रोक्स मान के चलो। तो अब यहाँ पे मैं कंपनी यानी थर्ड पार्टी को मैं बोलता हूँ कि 1000 लूंगा इंटीग्रेटेड वीडियो बनाने का, ठीक है। 30 सेकंड से 60 सेकंड तक का वीडियो होता है, यानी एक मिनट आप लोग समझ सकते हो कि एक मिनट वीडियो के बीच में जो इंटीग्रेटेड टाइप का आप लोग जैसे कि पता होगा वो वीडियो बनाने में मैं चार्ज करता हूँ कि 1000 में लूंगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वैसे करके मतलब 300 से 400 में इंटीग्रेटेड लेता हूँ, ठीक है। 400 से नीचे मैं इंटीग्रेटेड वीडियो नहीं करता हूँ, ये आप लोग एक चीज पता रहना है। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को ये सभी चीज़ें बताने का मकसद मेरा एक ये भी है कि आप लोग कंपनी से सही से डील कर पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग का व्यू जाता है 2000 बट आप लोग कंपनी से 200 में डील कर लोगे तो फिर आप लोग को कोई भी फायदा नहीं होगा। आप लोग अगर 2000 व्यू जाता है तो कम से कम तो आप लोग को 2000 तो लेना ही है डेडिकेटेड का। इंटीग्रेटेड का कम से कम आप लोग को 700 से 800 इंटीग्रेटेड कर लेना है अगर आप लोग का 2000 व्यू जाता है तो। तो अब यहाँ पे मैं आप लोग को बता दिया डेडिकेटेड वीडियो का जो मेरा प्राइस है, जो मेरा चार्ज है वो है 1K। और अगर बहुत अच्छा एप्लीकेशन या पास जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है तो उसको मैं कम से कम 700-800 में कर देता हूँ। लेकिन जो ऐसा मेरा रेगुलर जो स्पॉन्सरशिप डेडिकेटेड का वो 1K। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड का मैंने आप लोगों को बता दिया कि कम से कम 500 से नीचे मैं नहीं करता हूँ इंटीग्रेटेड कोई भी ऐसा एप्लीकेशन। बाकी जो मुझे पर्सनली जो अच्छा लगता है उसको मैं ऐसे 350-400 में भी कर देता हूँ। ऐसे व्यूज के हिसाब से आप लोग अपना काउंटिंग कर लेना, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग को जो कंपनी के साथ डील करना है आप लोग अच्छा खासा यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो विदाउट मोनेटाइज। मैं आप लोगों को बता दिया सारा कुछ। बाकी आप लोगों को दोस्तों एक चीज तो पता होगा कि मैं अपना चैनल पर काफी कम स्पॉन्सरशिप करता हूँ, बिकॉज आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि स्पॉन्सरशिप से चैनल का जो रीच है बहुत ज्यादा डाउन आता है, चैनल का व्यूज को कम करने के लिए काफी ज्यादा मतलब मदद करता है स्पॉन्सरशिप, ठीक है। तो इसलिए मैं स्पॉन्सरशिप उतना ज्यादा नहीं करता हूँ। हाँ कभी कभी एक आध में कर लेता हूँ जब थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा का मतलब जरूरत पड़ जाता है तब। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने चैनल पर स्पॉन्सरशिप कम ही डालूँ, ठीक है। बाकी एक दो बीच बीच में कर लेता हूँ आप लोग जैसे कि पता भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं जो स्पॉन्सरशिप वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो आप लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत मैं पैसा के लिए वो चीज़ मैं बना देता हूँ, अच्छा लगे तो ही आप लोग उस चीज़ पर पैसा इन्वेस्ट करना, वरना फिर मत करना, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ थोड़ा बहुत आप लोग जैसे कि पता होगा, आप लोग और बोलने का तो जरूरत नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना दूर था, आप लोगों का सारा कुछ मैंने आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि मैं एक स्पॉन्सरशिप का कितना लेता हूँ, सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दिया। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।
अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी नीचे कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, आप लोग का सारा कुछ डाउट क्लियर हुआ या फिर नहीं, कि बिट्टू भाई आपका बिट्टू भाई कितना कमाता है इस एक स्पॉन्सरशिप से, ठीक है। एंड अपना भाई अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साइड में जो नोटिफिकेशन मिलता है उसको भी प्रेस कर लेना। इसी के साथ अपना भाई अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, मेरे यूजर नेम bittumodak.07 या फिर आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।